पानीपत से है, जहां अफवाहों का बाजार लगातार गर्म है, जिसके चलते लोगों में दहशत फैलाकर लोग कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। बीते रोज प्रदेश के कृषि विपणन बोर्ड ने प्रदेश की अस्थायी सब्जी मंडियों को बंद करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद पानीपत में यह अफवाह फैल गई कि पानीपत की सब्जी मंडी बंद रहेगी, जिसको लेकर मंडियों में भगदड़ मच गई। कृषि विपणन बोर्ड ने अफवाहों से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि मुख्य सब्जी मंडी खुली रहेगी, जबकि अस्थायी मंडियां बंद रहेंगी। मंडी के सचिव ओम प्रकाश ने जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी अफवाह में न आए। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की तरह मुख्य सब्जी मंडी खुली रहेगी, जबकि शहर की किसान मंडी 31 मार्च तक बंद रहेगी। साथ ही उन्होंने जनता से सावधानी बरतने की अपील भी की। सभी शहरवासियों को सूचित करना चाहता हूं कि सनोली रोड वाली सब्जी मंडी बंद नहीं रहेगी, ये आम दिनों की तरह खुली रहेगी। सिर्फ आज़ाद नगर फाटक के पास अपनी सब्जी मंडी जो किसानों के लिए लगती थी, जिसमें किसान खुद आकर सब्जी बेचते थे, सिर्फ वो सब्जी मंडी बंद रहेगी। बाकी सब मंडियां, स्पेशली सनोली रोड पे जो एक ही मंडी सब्जी मंडी हमारे पास, वो सब्जी मंडी आम दिनों की तरह कल भी खुली रहेगी, आगे भी खुली रहेगी, वो बंद नहीं हुई है। इसलिए किसी भी शहरवासी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना शहर में सब्जियों की किल्लत होगी। और ये आनन फानन में जो लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, वो कृपया करके ना खरीदें, और अपने सभी दोस्तों को भी और सभी जानने वालों को भी ये मैसेज तुरंत दें। और मेरी शहरवासियों से ये भी अपील है कि इस आपदा के टाइम पे सभी शांति बनाए रखें और घर से बाहर कम से कम निकलें, और कहीं ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे कम से कम जाएं। ये सिर्फ 15 दिन की बात है, 15 दिन अगर हम शांति से निकाल देते हैं तो हम देश के लिए बहुत बड़ा उपकार करेंगे, देश के ऊपर, और ये हम आगे आपदा से बच जाएंगे।